2012 में मुरारी बापू के द्वारा जो है नींव रखी गई थी। मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान की खास पेशकश। आज हम पहुंचे हैं नादवारा के तत्पदम उपवन संस्थान में और यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे, हम यहां पर आज आए हैं विश्वास स्वरूपम के दर्शन के लिए। आज हम आपके हमारे सीबीसी न्यूज राजस्थान के जो दर्शक हैं उन सबको लेकर के आए हैं नादवारा और यहाँ पर विश्वास स्वरूपम का जो अनावरण हुआ है, जो लोकार्पण हुआ है शिव जी की प्रतिमा का, उसका पूरी तरीके से हम दर्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या खास है इस मूर्ति में जिसको बनने में 10 साल लग गए, क्या खास है उस विश्वास में जिसने अब जा कर के स्वरूप लिया है, क्या खास है यहाँ पर जो कथा अंदर चल रही है राम कथा में, मुरारी बापू यहाँ पे कथा कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे तथ्यों से आपको मैं मिलवाऊंगी, बहुत सारी चीजों से आपको रूबरू करवाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे तत्पदम संस्था के जो ट्रस्टी हैं मदन पालीवाल, उन्होंने किस तरह से 800 डोम बना करके एक पूरा गांव यहां पे बसा दिया है। चलिए मेरे साथ और मैं बताऊंगी कि कैसे यहां भोजनशाला में काम हो रहा है, कैसे यहां पे इतने बड़े विश्वास ने स्वरूप लिया है। चलिए मेरे साथ। और मैं सीधे आपको अभी ले आई हूँ सबसे पहले भोजनशाला में, जहाँ पे बन रहा है प्रभु प्रसाद। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे 70,000 से 1,00,000 तक के लोगों का जो है दोनों समय का भोजन यहाँ पे एक साथ पकता है और यहाँ पर जो है लोगों की संख्या भी जो है 1,00,000 लोगों का यहाँ पे एक साथ जो है भोजन व्यवस्था रखी गई है। मेरे पीछे देखिए आप कैसे इस वक्त सारी व्यवस्थित यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, लोग कितना शांति से लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह से ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ पे भोजनशाला से यहाँ पे रख के खाना आ रहा है और यहाँ खाना आकर के और सीधा वहाँ पहुँच रहा है। 600 वॉलेंटियर्स अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हैं। आ रहे राम कथा में? हाँ, रोज आ रहे हैं राम कथा में। आज पांचवा दिन है, पांचवा दिन बरोबर आ रहे हैं। कैसी लग रही है व्यवस्था? से बहुत अच्छी व्यवस्था, प्रसाद वगैरह आज वगैरह सब अच्छा है। इतने लोगों का एक साथ ये जो आयोजन है कैसा लगा? मतलब सब कोई मिसमैनेजमेंट हो, ऐसे लोगों को देखने के लिए आते हैं, ज्यादा खाने के लिए तो कोई नहीं आता, इतनी जनता को देखने के लिए, जनता को देखने के लिए आए। और मुरारी बापू को कभी देखते हैं, गाँव में आए थे कि हमारे देश में आए। मुरारी बापू की कथा कितनी बार सुनी है पहले? दो बार, पहले भी आए थे सुनी और यहाँ सुनी और टीवी पे रोज सुनते। अच्छा, आप रोज सुनते हो। अच्छा, ये जो अभी ये पूरी ये विश्वास स्वरूपम जो महादेव की जो मूर्ति बनाई है, प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अच्छा किया राजस्थान के लिए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये तो पालीवाल ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। चलिए, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ऐसे कहेंगे अच्छा लगा। कहाँ से? लोग मुरारी जी का दर्शन हो गया, जनता का ही हो गया, भगवान का ही हो गया, उनका मेला जल रहा है। अच्छा, प्रसाद व्यवस्था सब बढ़िया है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। व्यवस्था बिगाड़ रहे तो ये लोग बात बिगाड़ रहे, उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ रही। और अब आप हम आपको लिए चलते हैं उस शिव प्रतिमा की ओर जो विश्व में सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का गौरव प्राप्त कर चुकी है। ये बनाई है तत्पदम उपवन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने और इनके मूर्तिकार हैं नरेश कुमावत। ये मूर्ति बनी है गुरुग्राम में। अब इससे आगे की सारी जानकारी मैं मूर्ति के वहाँ शिव प्रतिमा के चरणों में जाकर ही आपको दे पाऊंगी। चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि क्या है खास इस शिव प्रतिमा में। चलिए, विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ बिलीफ, तत्पदम उपवन इस जगह का नाम है और ये तत्पदम उपवन जिस जगह पर है उस जगह को गणेश टेकरी कहा जाता है। गणेश टेकरी इसका नाम इस तरह से पड़ा, कहा जाता है, एक मान्यता है यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे शिव जी एक बार श्रीनाथ जी से मिलने आए थे और वो इसी जगह पर श्रीनाथ जी से मिले थे।
उसके बाद ही ये स्वरूप जो आप देख पा रहे हैं मुस्कुराता हुआ, ये श्रीनाथ जी से मिलने की खुशी ही उनके चेहरे पे नजर आती है। कहा बहुत कुछ जाता है यहाँ पे, जो ये गणेश टेकरी है उसके बाद ही इस जगह का नाम ये पड़ा था। अब बात करते हैं ये जो प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का दर्जा इस प्रतिमा को प्राप्त हो चुका है। ये एक सोच है जो तत्पदम उपवन संस्थान के मदन पालीवाल के एक विश्वास को जो ये स्वरूप मिला है वो आज दुनिया के सामने रख दिया गया है। बात करेंगे इस प्रतिमा की, यहाँ पे मेरे पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ साक्षात जो प्रतिमा है वो भी इसके ऊपर आपको नजर आएगी। ये है 369 फीट की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसे जब सोच में लाया गया था, जब इसकी कल्पना की जा रही थी, तो ये 251 फीट की इसकी कल्पना की गई थी। बाद में इसे बनाते समय ये निर्णय लिया गया कि इसे 351 फीट का बनाया जाए, और उसके बाद में बनाते बनाते अचानक से जब मॉडल पर काम हो रहा था तब इसको बनाते बनाते ध्यान आया कि क्यों ना इस पर गंगा की सहस्त्र धारा भी लगाई जाए। और जब गंगा की सहस्त्र धारा का निर्णय लिया गया तब जाकर इसकी जो ऊंचाई है वो हो गई 369 फीट की। ये तो है इसकी ऊंचाई को लेकर के। बात करते हैं कि किस तरह से इसे बनाया गया। ये बनी है पूरी जिंक की कोटिंग से और इसके ऊपर कॉपर का कलर किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत विशाल जगह बनाई गई है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें अभी होना बाकी है, कई सारी एडवेंचर को लेकर के और आध्यात्मिक चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जाएंगी। 65 अलग अलग तरह के इसमें जो है अलग अलग चीज़ें इसमें होंगी जो धर्म को लेकर ही कहीं ना कहीं यहाँ आगे सामने आने वाली है। बता दें आपको कि ये जो मूर्ति है इसमें आँख जो है सिर्फ आँख वो 19 फीट की है, यानी कि इसमें कम से कम 2 मंजिला मकान बन जाते हैं। त्रिशूल की अगर बात करें तो ये 250 अलग अलग पीसेस से मिलके ये एक त्रिशूल बना है। 6 महीने का समय इसमें लगा है। अगर बात करेंगे कानों के कुंडलों की तो वो यहीं पर इसी जगह पर बनाए गए थे और ये तुरंत लगा भी दिए गए थे। अगर बात करते हैं नाग देवता की तो नाग देवता 50 अलग अलग पीसेस में बनाए गए थे और उनको मिला करके फिर ये जा करके पूरा एक आकार ले पाए हैं, और वो भी पूरे 6 महीने का समय लेकर। फिर बात करते हैं चेहरे की, तो चेहरा पूरा एक ही बार में यहाँ पे बनाया गया था, हालांकि समय सबको बराबर लगभग 6-6 महीने का यहाँ पे लगा है, और उसके बाद में धड़ पूरा जो है वो एक साथ यहाँ पे बनाया गया था। आकार लेते 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 10 साल का समय इस शिव प्रतिमा को लगा है। आपको बताना ये यहाँ ज़रूरी है कि 2012 में मुरारी बापू के द्वारा ही यहाँ पर इस प्रतिमा का जो है नींव रखी गई थी, और अब जाकर के 2022 में 29 अक्टूबर को जो है यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण भी मुरारी बापू के द्वारा ही किया गया है। बता दें कि ये तत्पदम उपवन संस्थान के जो ट्रस्टी हैं मदन पालीवाल जी, उनका शुरू से ही मुरारी बापू में काफ़ी विश्वास रहा है, आध्यात्मिक गुरु आप कह सकते हैं, तो वो शुरू से हमेशा उनके साथ रहे हैं और उनके कहे अनुसार ही चले हैं। आज ये जो सपना है दुनिया के सामने उन्होंने रखा है वो भी कहीं ना कहीं मुरारी बापू के हाथों से ही उन्होंने जो है देश को पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का गौरव जो है इस प्रतिमा को मिल चुका है। कई सारी बातें हैं जो बताते बताते समय निकल जाएगा। अगर आप इस पूरी शिव प्रतिमा के अंदर से लेकर ऊपर तक अगर आप जाएंगे तो 3-4 घंटों का यहाँ पे आपको समय लगने वाला है। अंदर कई म्यूजियम की तरह इसको बनाया जाएगा। अभी आपको बता दें कि ऊपर से कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर है, और वो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी एक अलग टेक्निक से यहाँ पे बनाई गई हैं। नीचे पत्थर या RCC ना हो करके कांच की वो सीढ़ियाँ बनाई गई है। काफ़ी हवा का जो वेग है वो काफ़ी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वो काफ़ी प्रवाह तेज हो जाता है। ये जो प्रतिमा बनी है ये कई तरह के परीक्षणों से गुजरी है। मिट्टी को ले लें आप, चाहे हवा को ले लें, पानी को ले लें, सूर्य की रोशनी को ले लें, बारिश को ले लें, हर चीज़ को लेकर के इस प्रतिमा को एक कठिन परीक्षण से गुजारा गया है। और आने वाले समय तक परीक्षण का जो नतीजा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले 250 सालों तक इस प्रतिमा का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस तरह की इसमें जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है। शुरुआती जानकारी हमें यही मिली है कि 1500 लोगों की टीम जो है वो दिन रात शिफ्ट में जुटी रही, तब जाकर के मॉडल फाइनल हुए हैं। कई सारे बदलाव नए होते गए और कई सारे जो चीज़ें हैं उसमें होते होते आज ये जो स्वरूप है वो राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। और
आगे अगर बात करें तो ये जो एक सीढ़ियाँ आपको वहाँ से नज़र आएंगी वो शिव जी के चरणों के ठीक पास में वहाँ तक आपको ले जाएंगी। अंदर से जब आप जाएंगे तो एक 280 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल के पास में आपको वो जगह ले जाती है। चार लिफ्ट इसके अंदर लगाई गई है जिससे कि पूरी प्रतिमा के अंदर से भी आप इसे देख सकते हैं। अलग अलग जगह तक पहुंचकर जो है लोग इसका आनंद उठा पाएंगे, इसके अंदर से देख पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 10,000 लोगों के अंदर जाने की इसके अंदर क्षमता है, एक पूरा का पूरा गांव इसमें बस सकता है ये कहा जाता है। विश्वास स्वरूपम की इस प्रतिमा को आकार लेने में 10 साल क्यों लगे, इसके पीछे की जो सारी मेहनत है, काश कि वो हम सारी आपको दिखा पाते, काश कि वो सारी जो है अनुभव, वो कहानियाँ हम आपको दिखा पाते। लेकिन आज जो यहाँ पे साक्षात साकार रूप में मौजूद है, इसके पीछे जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी। 3,000 टन स्टील लगा है और 2,600 टन इसमें लोहा लगा है। ये सारी जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के होने के नाते या आपको नादवारा की इस जो ये मूर्ति है शिव प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी है और इसके बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। इसका जो बेस है उस बेस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। 25x30 का यहाँ पे सिर्फ बेस लिया गया है और 10 फीट के करीब लगभग ज़मीन के अंदर भी ये है। अब जहाँ शिव जी होंगे वहाँ नंदी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे नंदी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है और ये प्रतिमा बहुत अलग है हर जगह से हटके। हर शिव मंदिर में आप देखेंगे नंदी महाराज की जो प्रतिमा होती है वो बैठी हुई मुद्रा में होती है, लेकिन यहाँ पे नंदी महाराज की मुद्रा जो है वो खड़ी मुद्रा में है। 32 फीट के ये नंदी महाराज यहाँ पे बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदी महाराज के अगर चेहरे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे मुस्कुराती हुई प्रतिमा बनाई गई है। नृत्य करते हुए नंदी महाराज यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे जनमान्यता जो है वो हमेशा ये रही है कि शिव मंदिरों में जा करके सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके कानों में जो है अपनी मनोकामना कहने की हमेशा से एक परंपरा रही है, लेकिन वो शायद आप यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 32 फीट ऊंचे नंदी महाराज यहाँ पे विराजित हैं तो आप नहीं कह सकते। लेकिन प्रार्थना हर जगह से किस तरह भी यहाँ पे सुनी जाती है तो आप प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। ये है वो पंडाल जहाँ पे राम कथा हो रही है मुरारी बापू की, और ये पंडाल जो है वो भी किसी खास टेक्निक से बनाया हुआ है। 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से पूरा ये डोम जो है वो बनाया गया है और इसको ऊपर से इसके कवरिंग की गई है। ये जो आयोजन चल रहा है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हो चुकी है, क्या कहना है इसके बारे में क्योंकि एक अभूतपूर्व क्षण है। आदरणीय मदन जी पालीवाल द्वारा स्थापित भव्य शिव प्रतिमा अद्भुत अकल्पनीय, मतलब मैं सोचता हूँ इतिहास में एक अमर स्थान ये प्रतिमा रखेगी, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा, और जो रूप है और दूर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से प्रतिमा दिखती है। मैं शिव जी को भी प्रणाम करता हूँ, मुरारी बापू को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय मदन जी को भी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मारू नाम जोशी देवी हे, हूँ गुजरात थी आऊँ छूँ, अमरेली जिला में आऊँ छूँ। 2012 की कथा में पण हूँ अँलो, पण आजनु कंक वातावरण कंक अविस्मरणीय है कि जे शिवजी की जे प्रतिमा जे विश्वनी सौथी मोटा मोटी प्रतिमा है, अँ एवो अहसास थाय छे कि शिवजी जे साक्षात नाथद्वारेनी अंदर बिराजमान होय एवो अहसास थाय छे। अने खूब खूब धन्यवाद मदनलाल पालीवाल जी नो कि जेने आवड़ी मोटी प्रतिमा जे भारत नी अंदर निर्माण करी अने एक श्रद्धानु प्रतीक तरीके एक अद्भुत एक मूर्ति नु स्थापना अहीं करी अने एना पावन पर्व निमित्ते के गुजरातना अने भारतना सुप्रसिद्ध कथाकार श्री मोरारी बापूना सानिध्यनी अंदर जे अमने आजे जे सप्ताह सांभळवानो जे मौको मळ्यो छे ए खूब ज अविस्मरणीय छे। અને આવું ને આવું સત્કાર્ય મદનલાલ પાલીવાલજી કરતા રહે અને ઘણા બધા ભાવિકોને કે આનાથી કંઈક તો આમાંથી કંઈક શીખીને જશે, કંઈક તો થોડુંક એકાદો વિચાર પણ જો સારો લઈને અહીંથી જાય તો ઘણું બધું સારું કહેવાય અને અહો ભાગ્ય કહેવાય કે જે આવો અદ્ભુત જે નજારો જોવાનો જે આજે અમને મોકો મળ્યો અને અમે આજે ધન્ય થયા છીએ।
जय सियाराम, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैं काकोली से हूँ, राजसमंद से। ये जो 9 दिवसीय पूरा आयोजन चल रहा है जी, शिव प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हो चुकी है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मन कितना खुश है? बहुत खुश है, ऐसा तो हमेशा होता ही रहे, ये कार्यक्रम हमेशा चलते ही रहे, और हम तो हर जगह होता रहना चाहिए ये कार्यक्रम। मुरारी बापू की कथा सुनी है पहले कभी? जी बिल्कुल सुनी है, हमारे रतलाम में भी आए थे, सबरीधाम मंदिर का उद्घाटन किया था, हमने वहाँ भी सुनी थी, काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छा लगता है हमें आया आगे। तो अभी यहाँ 9 ही दिन आप कथा सुन रहे हैं ऐसा? जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम यहाँ। व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि आप रोज आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी, खाने को लेकर के या बाकी सारी जो रहने को लेकर के, ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह की? बहुत बढ़िया है व्यवस्था, तो किसी बात की कमी नहीं है व्यवस्था में, किसी को कोई परेशानी नहीं है। खुश हैं आप? बिल्कुल बहुत खुश हैं।